वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी देखेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 कप नारियल, इसका छिलका निकाल कर इसके टुकड़े करके लिए है, और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर लिए है मूंगफली के दाने रोस्ट करके। इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में, साथ साथ ही आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून ऑफ नमक। इसे हम 1 कटोरी पानी डाल के मिक्सर में पीस कर ले लेंगे। इसका ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, आप देख सकते हैं ऐसे इसका कोरस पेस्ट हमें बनाना है, और पानी की कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब लगाएंगे इसका तड़का। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें जाएगी राई, राई जब चटचट आएगी तब इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। ये गरम गरम तड़का हमें डालना है हमारी चटनी के ऊपर। ये चटनी बनाते हुए आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको इसमें जीरा और हरा धनिया बिल्कुल नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है, एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल ये चटनी है। आप इसे वड़े के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।